मैं ब्रजेस कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में नॉन टीचिंग के विभिन्न पदों के बारे में बताने वाला हूं और यह जो विभिन्न पद हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए हैं और इसमें सरकारी नौकरी के लिए लगभग 23 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस वीडियो में नीचे आपको मैं बताऊंगा कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इस वीडियो में जो पद हैं इस पद से संबंधित सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए अंतिम तिथि क्या है, सब डिटेल जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन जब सभी डिटेल जानकारी हम बताएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस से इतना ज़्यादा दिया है कि सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एक एक पद के लिए अलग अलग डिटेल जानकारी दी गई है और उतना मैं बताऊँ तो यह वीडियो बहुत बड़ा होगा। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को आगे पीछे करके आप देख सकते हैं, क्योंकि आधे अधूरे ज्ञान लेना आपके लिए भी सही नहीं है और अधूरा वीडियो बनाना मेरे लिए भी सही नहीं रहता है, क्योंकि जब तक हम फुल इन्फॉर्मेशन इसमें जो दिया है ना दें तो आपके कोई काम का नहीं रहता है। इससे अच्छा आप वेबसाइट से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और यदि वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको यह ध्यान में रखना है कि वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि फुल जानकारी आपको मिल जाए, सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी मिल जाए, सिलेबस की हो जाए और एग्जाम पैटर्न क्या है इसके लिए, ये सब जानकारी आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है इस चैनल के थ्रू, तो आपकी इच्छा हो तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही जिस नोटिफिकेशन पे वीडियो बनाई जाती है वह नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो आप डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो गया है, यानी 10 अप्रैल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023 शाम को 5 बजे तक है। अब हम बात करते हैं इसमें किन किन विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, यानी सब्जेक्ट क्या है इन सभी पदों के लिए। तो सबसे पहले हम पद की बात करते हैं, तो पर्सनल असिस्टेंट के लिए एक पद है और सैलरी 35,400 से लेकर 112,400 रुपये हैं, प्लस 150 रुपये SP हैं। क्लर्क के लिए कुल 10 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी भी अच्छी है, जिसमें 19,900 से लेकर 63,200 रुपये हैं और 40 रुपये प्लस SP का कोई चार्ज लग रहा है जो 40 रुपये हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए एक पद है, सैलरीज जो है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये हैं प्लस 100 SP। लैब अटेंडेंट के लिए 3 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और सैलरी सेम है L2 के अनुसार। कैटेगरी वाइज इसमें डिटेल पोस्ट दिया गया है, वो आप डिटेल जानकारी देख सकते हैं। इसके अलावा प्यून के लिए 8 पद पर आवेदन आमंत्रित हैं और 16,900 से लेकर 53,500 रुपये प्लस 30 SP आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाला है। यह तो बात हो गई विभिन्न पदों के बारे में, जिसमें जो पोस्ट की बात करें तो पोस्ट कलर का जो है, यदि पुराना एडवर्टाइजमेंट देखें 2019 का भी, तो उस एडवर्टाइजमेंट को विड्रा कर दिया गया है और न्यू एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। एज लिमिट जो है 18 से लेकर 50 साल दी गई है इसमें, और एज लिमिट में जो छूट हैं अप्लीकेबल हैं। अब हम बात करेंगे अप्लीकेशन शुल्क के बारे में, तो देखिए जनरल कैटेगरी में जो है, यानी मेल और फीमेल जो हैं और जो हरियाणा से बाहर के हैं, यानी ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा से बाहर के हैं तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कमेंट भी आया था कि क्या आप वीडियो बना रहे हैं तो इसमें स्पष्ट मेंशन कीजिए कि विदाउट स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो मैं क्लियर बता रहा हूं कि यदि आप हरियाणा से बाहर के हैं तो आपके लिए भी 500 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं। और SC BCA और BCB कैंडिडेट हरियाणा के स्टेट के लिए जो हैं वो 125 रुपये हैं, और फीमेल रेसिडेंट जो हरियाणा के फीमेल हैं उनके लिए 250 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं, और हरियाणा के फीमेल के लिए जो कैटेगरी में हैं उनके लिए 63 रुपये अप्लीकेशन शुल्क हैं, और डिसेबल कैटेगरी के लिए, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए कोई भी अप्लीकेशन शुल्क नहीं है। यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी के लिए रिजर्व किया गया है, यानी कुछ डिटेल जानकारी दी गई है यूनिवर्सिटी के बारे में और इस पद से रिलेटेड। अब यहाँ पे आते हैं तो जनरल इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशन दिया गया है, तो आपके लिए इसमें क्या है, आपके पास जीमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, थंब इंप्रेशन है, सर्टिफिकेट सब है, JPG में आपको अपलोड करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम। और थोड़ा सा हम नीचे आते हैं तो देखते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए दी गई है उसके बारे में हम बात करें। तो यहाँ पे आते हैं तो एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गाइटी ऑफ मिसकंडक्ट करके एक सूचना दी गई है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, यह सूचना आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यह जो सूचना दी गई है, जो एग्जाम जो आपके होने वाले हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है, जो आपका एग्जाम होगा OCC कैमरा के
अंदर ही होने की संभावना है। अब हम बात करते हैं जो क्वालिफिकेशन आपके डेट ऑफ बर्थ हैं, जो 10वीं 12वीं मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट जो भी हैं, और रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म किस कंडीशन में होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देखना है कि किस कंडीशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं जो पद हैं पर्सनल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में, तो बैचलर डिग्री 50% अंक हैं या पीजी डिग्री इन 50% अंक के साथ में, 5 साल का एक्सपीरियंस है स्टेनोग्राफर सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर या 8 साल का एक्सपीरियंस है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर से रिलेटेड। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड और स्कैनिंग टेस्ट से रिलेटेड 80 अंक का है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 15 अंक हैं और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस 5 अंक आपको मिलेगा। इस तरह से आपकी ये सिलेबस दी गई है, तो सिलेबस तो आप देख सकते हैं। हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात बता देते हैं। अगला पद हम देखते हैं जो पद हैं आपके जो सिलेबस है जो एनसीईआरटी की जो सिलेबस है वही अप्लीकेबल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में देखिए आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो बैचलर डिग्री पे 3 अंक हैं, बैचलर डिग्री संबंधित सब्जेक्ट में यदि फर्स्ट डिवीजन है तो उसके लिए 5 अंक हैं। इस तरह से यह डिटेल जानकारी दी गई है सभी पदों के बारे में, तो यह देखना है। अगला जो पद है क्लर्क के लिए हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री 50% है या पीजी डिग्री इन 50% और हिंदी या संस्कृत सब्जेक्ट से मेट्रिकुलर या हाई स्कूल पास होना चाहिए। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड है 40 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश इसमें दी गई है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब आपको इस सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए 30 अंक है, जनरल एप्टीट्यूड और टेस्ट स्कैनिंग टेस्ट 50 के अंक हैं, क्वालिफिकेशन के लिए 15 अंक हैं और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस के लिए 5 अंक हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि कंप्यूटर टेस्ट आपको कितना देना है, कितना वर्ड टाइप करना है, जो इसमें ड्यूरेशन बताया गया है। सिलेबस जो है एनसीईआरटी का सिलेबस चलेगा इसमें सभी पद के लिए, और आप अपने परसेंटेज के अनुसार क्वालिफिकेशन निकालकर डायरेक्ट आप देख सकते हैं इसमें। अब हम बात करें स्टेनोटाइपिस्ट पद के लिए, तो ये भी बैचलर डिग्री सेम क्वालिफिकेशन है, टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड पर मिनट है और इसमें हिंदी और संस्कृत से हाई स्कूल पास हैं आप, तो आपको प्रेफर किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो स्टेनोग्राफी एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 30 अंक हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट स्कैनिंग टेस्ट 50 हैं और एकेडमिक क्वालिफिकेशन 15 हैं और सोशल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो आपका एक्सपीरियंस है वो 5 साल का 5 अंक का है। इस तरह से ये सब डिटेल जानकारी दी गई है, सिलेबस जो है एनसीईआरटी की चलने वाला है इसमें। अब अगला जो पद है उसकी हम बात करते हैं लैब अटेंडेंट के लिए, तो 12वीं क्लास पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से फर्स्ट डिवीजन, यदि बैचलर डिग्री है तो 50% अंक होना चाहिए, यदि बैचलर डिग्री साइंस से हैं तो आपके 50% अंक हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो रिटन टेस्ट स्कैनिंग टेस्ट हैं 50 अंक, अकेडमिक क्वालिफिकेशन 45 अंक और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एक्सपीरियंस के लिए 5 अंक हैं। रिटन टेस्ट में जो सिलेबस है एनसीईआरटी का सिलेबस है, इसमें जनरल अवेयरनेस रीजनिंग मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी कंपलसरी, कंप्यूटर अवेयरनेस ईटीसी इसमें सिलेबस दी गई है कि किससे कितना परसेंटेज पूछा जाएगा। इसके अलावा हिस्ट्री करंट अफेयर लिटरेचर ज्योग्राफी सिविक्स इन्वायरमेंट कल्चर इन हरियाणा के बारे में दी गई है कि हरियाणा में जो वैकेंसी है तो हरियाणा के बारे में भी पूछा जाएगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं पीयून के लिए, तो देखिए पीयून का जो पद है 10वीं क्लास पास लेवल पर आवेदन आमंत्रित हैं और यह जो वैकेंसी है सारे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए हैं, यानी सीधी भर्ती है। अब रिटेन एग्जाम है 80 नंबर का है और सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस 10 अंक का है इस पद के लिए, और जो सिलेबस है इसमें वही है जनरल अवेयरनेस रीजनिंग मैथ साइंस इंग्लिश हिंदी अप्लीकेबल है। इसके अलावा हिस्ट्री कल्चर यानी 75% है, जिसमें जनरल अवेयरनेस रीजनिंग मैथ साइंस इंग्लिश इन हिंदी अप्लीकेबल हैं। इसके अलावा 25% है, जिसमें हरियाणा के हिस्ट्री करंट अफेयर लिटरेचर ज्योग्राफी सिविक्स इन्वायरमेंटल कल्चर से रिलेटेड हरियाणा से पूछा जाएगा, और 10 नंबर हैं जो आपको एक्सपीरियंस हैं, और ये है अंडरटेकिंग, यदि आप अंडरटेकिंग वाला आप देना चाहते हैं तो ये आपको भरकर देना है, और ये सब अप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड हैं। तो फ्रेंड इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती है, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें जिससे सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अभी तक लाइक नहीं करें हैं तो लाइक कर दें जिससे कि